मैं आपको यही सलाह भी दूंगा कि जब भी आप FIS का इंटरव्यू देने जाओ पाइथन डेवलपर के लिए, तो हमेशा उप्स कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करके जाएं, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन होता है जो कि उस इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FIS ग्लोबल के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर FIS आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ FIS, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है FIS के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Watch the video till the end. This video is specially made for 2 to 7 year of experience candidates, but other can also watch it. So watch the video till the end. तो सबसे पहले बात करते हैं how I apply in FIS Global. तो LinkedIn पर जब मैं गया था तो किसी ने ऑलरेडी पोस्ट डाली हुई थी that these are some of the positions which are available in FIS and if anybody is interested can ping him. तो मैंने उसी दौरान LinkedIn पर उनको जाकर पिंग किया और मैंने पूछा कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना रिज्यूमे किसी मेल आईडी पर भेज दें। तो उन्होंने अपना मेल आईडी मुझे शेयर किया, तो मैंने वहां पे अपना रिज्यूमे दे दिया। तो दिस इज हाउ आई अप्लाई इन FIS। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद मुझे कॉल वहां से आ जाता है, HR मुझे कॉल करते हैं। उसके बाद मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, आपके स्किल सेट क्या है, वही बेसिक क्वेश्चन जो हर एक स्क्रीनिंग राउंड में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि स्क्रीनिंग राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने उसकी भी एक वीडियो अलग से बनाकर रखी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि आपको किस किस राउंड से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने मेजरली 3 राउंड के बारे में बताया। 3 में से पहला राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू, दूसरा था मैनेजरियल राउंड और तीसरा था एचआर डिस्कशन। तो ये 3 राउंड थे जो कि इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में होने वाले थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले इंटरव्यू के बारे में जो कि था टेक्निकल डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में जो कि टेक्निकल डिस्कशन राउंड था। तो इसमें क्या हुआ था कि एचआर ने मुझे सुबह ही कॉल करके पूछ लिया था कि क्या आप आज अवेलेबल हो इस टाइम पे इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने हाँ बोल दिया था। तो शाम को ये इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, लेकिन मुझे इसके 1-2 घंटे पहले ही कॉल आ गया था कि अभी एक्चुअली पैनल अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। ये बात मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने पहले ही 1-2 घंटे पहले ही बता दिया, ताकि हम भी कुछ और अगर करना हो तो हम किसी और जगह अपना वो टाइम यूटिलाइज कर सकें। तो इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि हम क्या इसको रीशेड्यूल कल कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है इनकी। पिछली बार जब मैं एक्सेंचर में सेम चीज़ कर रहा था तो उन्होंने तो बताया भी नहीं था कि रीशेड्यूल होने वाला था। तो यहाँ की मुझे ये बात अच्छी लगी कि एचआर ने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रखा हुआ था कि आपका कब इंटरव्यू होगा, पूरा प्रोसेस इन्होंने एचआर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो मेरा अगले ही दिन इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो जब अगले दिन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर था उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछी कि आप करते क्या हो, या फिर आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं। बेसिक जो भी मेरी डिटेल थी मैंने सब कुछ अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। देन उसके बाद उन्होंने मेजरली क्वेश्चन सारे पाइथन से रिलेटेड ही पूछे, क्योंकि मैं पाइथन डेवलपर की पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा था। तो इन्होंने जैंगो से रिलेटेड कुछ खास नहीं पूछा, खास क्या इन्होंने जैंगो से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। और SQL की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम क्वेश्चन SQL से पूछे, लेकिन मेजर जो फोकस किया गया था वो पाइथन पर ही किया गया था। अगर आपको ये चीज जाननी है कि पाइथन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे ही इंटरव्यू में जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वहां पे मैंने मेंशन करे हुए हैं। इसके अलावा जो मेन चीज थी इस इंटरव्यू राउंड की वो ये थी कि इसमें उप्स कंसेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया था। मेजरली जो फोकस किया गया था वो उप्स कंसेप्ट पर ही किया गया था, और ऐसे नहीं था कि आप अगर सिर्फ डेफिनेशन सुना दो तो वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल भी डेफिनेशन को कंसीडर नहीं कर रहे थे, वो प्रैक्टिकली वो सब चीजें करवा कर देख रहे थे। अगर मान लो कि आपने बोल दिया कि आपने एनकैप्सुलेशन की है, आपने इनहेरिटेंस के बारे में आपको पता है, किस तरह से अब्स्ट्रैक्शन चलती है पाइथन में, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो वो कहेंगे कि ये सब चीजें लिख कर भी बताओ, क्लास डिफाइन करो, उससे किस तरह से दूसरी क्लास में आप इनहेरिट कर रहे हो, वो सब चीज़ों के बारे में उनको बताना था। तो बहुत ज़्यादा ये लंबा खींचा गया, और लंबा सिर्फ इसी पोर्शन में ही खींचा गया था क्योंकि उप्स कंसेप्ट थे वो मुझे भी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, तो ऑब्वियसली मुझे टाइम लग रहा था वो सब कुछ लिखने में भी। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो इंटरव्यू का था वो यही पोर्शन था कि सबसे ज़्यादा फोकस उप्स कंसेप्ट पर किया गया। तो मैं आपको यही सलाह भी दूंगा कि जब भी आप FIS का इंटरव्यू देने जाओ पाइथन डेवलपर के लिए, तो हमेशा उप्स कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करके जाएं, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन होता है जो कि उस इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। और उसके अलावा मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन भी लिखवा कर देखेंगे जो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पर ही बेस्ड थे।
उसके अलावा इस इंटरव्यू में कुछ खास नहीं था, मेनली फोकस उप्स कंसेप्ट पर ही किया गया। और उस टाइम पे जब मैं FIS का इंटरव्यू दे रहा था, मेरे उप्स कंसेप्ट इतने ज्यादा क्लियर नहीं थे, मैंने ब्रशअप भी नहीं किए हुए थे वो सारे कंसेप्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे उप्स कंसेप्ट पे इतना ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो मेरी भी गलती थी कि मैंने भी ज्यादा तैयारी नहीं की थी उप्स कंसेप्ट के बेसिस पे, क्योंकि मेजरली सारा पोर्शन उप्स कंसेप्ट पर ही गया था, जो कि मुझे भी लग रहा था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था कि इतना अच्छा नहीं जा रहा। तो ऑब्वियसली बाद में मुझे रिजल्ट भी वैसे ही मिले कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, आगे फर्दर राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सीखने को बहुत मिला, जो जो भी इन्होंने क्वेश्चन मुझे उस दौरान पूछे थे, मैंने फर्दर जितने भी इंटरव्यू दिए थे उनसे पहले पहले वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके रख लिए थे कि अगर अगली बार कोई भी मुझे उप्स कंसेप्ट के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इतना तो प्रिपेयर हो जाऊं कि मैं वो सब आंसर कर सकूं। तो मैं फर्दर राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली मैं आपको फर्दर राउंड के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं अगली बार कभी भी ट्राई करूंगा तो मैं डेफिनेटली आपको वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा सिर्फ पहला ही टेक्निकल राउंड हुआ था, तो मैं आपको उसी के बारे में ही बता सकता हूं। तो आई होप कि आपको ये इंटरव्यू प्रोसेस जानकर थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूर मिली होगी कि आपको अपना किस तरह से इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज आप तक और भी लेके आ सकूँ। धन्यवाद।